जहां पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने घोषणा की है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की। 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है। बड़ी खबर है अयोध्या से, भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी का दिन तय किया है ट्रस्ट ने। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बारे में जानकारी दी। तो सभी को इंतजार है, भव्य राम मंदिर जल्द पूर्ण होगा और उसके बाद उसमें विराजेंगे रामलला। 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, इसकी जानकारी दी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। जनवरी का दिन देशवासियों के लिए बेहद खास दिन रहेगा। ट्रस्ट के को हम चाहेंगे, हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, जिनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना आवे। हमारा उनको बारंबार हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, इनके साथ एक संवैधानिक प्रोटोकॉल है और 22 जनवरी को उनकी सेवा हम भी नहीं कर पाएंगे और मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएगा। तो हम उनसे निवेदन करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन ना आवे। उसके बाद जिस प्रांत के लोग जब आ रहे हैं उसी राज्य के प्रांत के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आ सकते हैं। अंशुमन तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंशुमन, बहुत बड़ी खबर, 22 जनवरी का दिन ये ऐतिहासिक रहेगा और देश के लिए ये यादगार दिन रहेगा क्योंकि इस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसकी जानकारी दी है महासचिव चंपत राय ने। जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक दिन होगा राम भक्तों के लिए, देश दुनिया में पहले राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि पीढ़ियों से, वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे इस पल का। ये ऐतिहासिक दिन होना साथ ही साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से उनके महासचिव चंपत राय ने अपील किया है कि संवैधानिक प्रोटोकॉल वाले 22 जनवरी को, जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उस दिन अयोध्या ना आए। हर प्रदेश के लिए, देश को कई देशों में विभाजित करके उनके लिए तिथि निश्चित की जाएगी। उन्होंने अपील किया है कि राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल जिस तारीख को उनके प्रदेश को, उनके प्रदेश की जनता के लोगों को अयोध्या आने के लिए निर्धारित किया गया है, उसी तिथि पर, उसी समय पर उस देश के संवैधानिक प्रोटोकॉल के लोग, प्रदेश के संवैधानिक प्रोटोकॉल के लोग अयोध्या आए। साथ ही साथ पूजित अक्षत, इसको पूरे देश में पहुंचाना है, उस प्रांत के, उस क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा के पत्रक के साथ उसको भी विभाजित करने के लिए, हर घर तक पहुंचाने के लिए 45 इकाई बनाई गई है। 45 इकाई के लोग 9 नवंबर को यहां से अयोध्या आएंगे और पूजित अक्षत यहां से वो प्राप्त करेंगे। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 45 इकाई जो बनाई गई, 45 प्रांत इकाई जो बनाई गई है पूरे देश में, जो पूजित अक्षत होगा रामलला का, उसको हर घर तक पहुंचाएगा। जी अंशुमन, निश्चित तौर पर चूंकि ये सभी जानते हैं कि इस क्षण का इंतजार जन जन को है, हर सनातनी को है, हर हिंदू को है, हर राम भक्त को है और यही वजह है कि हर कोई इस महोत्सव में, इस उत्सव में, धर्म के इस उत्सव में शामिल होना चाहेंगे और कोई अव्यवस्था ना हो, कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, इसकी चिंता ट्रस्ट को भी है। यही वजह है कि कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से तय की गई है। जी बिल्कुल, इसकी चिंता राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अयोध्या प्रशासन, साथ ही साथ सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी है। इस बात से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वयं मुख्यमंत्री अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आते ही रहते हैं क्योंकि राम मंदिर बस कुछ ही महीनों में, जनवरी के तीसरे सप्ताह तक उनका प्राण प्रतिष्ठा, 22 जनवरी अब तो तिथि भी निर्धारित हो गई है, हो जाना। ऐसे में एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश से ही नहीं पूरी दुनिया से अयोध्या आने वाले हैं और अयोध्या कितना उसके लिए तैयार है, इसके लिए जिला प्रशासन,
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हमेशा मंथन लगातार मंथन करता रहता है, बैठ के करता ही रहता है। जैसे कि अभी योजनाएं जो भीड़ आएगी उसके लिए अयोध्या जिला प्रशासन ने होम स्टे की योजना, टेंट सिटी की योजना, जिनके पास जमीनें खाली हैं उसको अयोध्या विकास प्राधिकरण टेंट सिटी बनाकर देगा। पेइंग गेस्ट हाउस की योजना शुरू की गई, जिनके घर में 5 कमरे हैं 3 से 5 कमरों में अपने घर में गेस्ट हाउस बना सकेंगे, कोई टैक्स नहीं होगा उनके लिए। तो जिला प्रशासन इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई अव्यवस्था ना होने पाए इसके लिए अभी से ही चिंतित दिख रही है, अभी से ही वो प्रयास करती हुई दिख रही है। जी निश्चित तौर पर, चूंकि आप अयोध्या में ही रहते हैं अंशुमान, आपके भावों को भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस समय कितना गर्व और बेहतरीन महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वास्तव में ये ऐसी खबर है जिसका जन जन को इंतजार है बेसब्री के साथ। उस पल को हम सभी देखना चाहते हैं, उस पल के साक्षी बनना चाहते हैं जब भव्य राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। जी बिल्कुल, हर सनातनी, हर जो राम भक्त है, चाहे वो अयोध्या में हो चाहे वो कहीं विदेश में हो, उसको गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे रामलला 500 वर्षों संघर्ष के बाद, 500 वर्षों में कितने उनके पीढ़ियों से लोग बलिदान हुए हैं, बलिदानों के बाद आज अपने नवनिर्मित भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। अयोध्या वासियों के साथ साथ शहीद परिवारों के लोगों की भी खुशी का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। जो सैलानी अयोध्या के, जो श्रद्धालु अयोध्या के, उनके मन में भाव जितना है कि अब हमारे रामलला अपने नवनिर्मित भवन में विराजमान हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका अंशुमान इस खबर पर जानकारी देने के लिए।